तो ईरान और अफगानिस्तान में तरह तरह की पाबंदियों से महिलाओं की जिंदगी बदहाल तो है ही, वहां उनको पॉइजन अटैक से भी निशाना बनाया जा रहा है। काबुल के नजदीक स्कूली बच्चियों को जहर दिया गया, पहले 600 बच्चियों को जहर तो अब 80 छात्राओं पर पॉइजन अटैक। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। इस्लामिक मुल्क ईरान के बाद अब अफगानिस्तान में भी लड़कियों को जहर देने की घटना सामने आई है। यहाँ पर उत्तरी इलाके में दो अलग अलग स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ने वाली दर्जनों लड़कियों को जहर दे दिया गया। जहर से लड़कियां तड़पने लगी और कई की हालत बेहद खराब हो गई है। इलाके के शिक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी। हैरत की बात यह है कि अफगानी लड़कियों को जहर देने वालों का पता नहीं चला। दोनों घटनाओं में किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि कई मानव अधिकार संगठन इस घटनाओं में तालिबान का हाथ बता रहे हैं, क्योंकि तालिबान का रवैया महिलाओं को लेकर बेहद सख्त रहा है और अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद तो तालिबान ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि संयुक्त राष्ट्र भी उसे नहीं रोक पाया। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत है और अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद लड़कियों को जहर दिए जाने की यह पहली घटना है। इससे पहले अफगानिस्तान में 2015 में लड़कियों को जहर दिया गया था और वो घटना हेरात प्रांत की थी, जहां 600 स्कूली लड़कियों को जहर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।